हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीचिंग फेयर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल की लेटेस्ट वैकेंसीज़, और ये दो अलग अलग राज्यों से होंगी। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, डिटेल्स कवर करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी फेसबुक ग्रुप भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए वहां से ज़रूर जुड़ें। तो पहली एडवर्टीज़मेंट हम चेक करते हैं कौन सी स्टेट से है। पहली एडवर्टीज़मेंट वेस्ट बंगाल से है दोस्तों, और ये न्यूज़पेपर की वैकेंसीज़ हैं। आपको इसकी अपडेट, एक स्कूल की अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, और एक आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है। ये वैकेंसी जो आप देख पा रहे हैं वो बर्धमान की है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है बर्धमान। और यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं TGT और PGT में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, और प्राइमरी में हिंदी टीचर, प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर फीमेल अप्लाई करें प्राइमरी में, स्पेशल एडुकेटर और ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, नर्स, लैब इंचार्ज, लैब इंचार्ज में साइंस और कंप्यूटर लैब इंचार्ज की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा गया है। हालांकि यहाँ पे 2 ईयर्स बहुत ही कम है, फ्रेशर्स भी अप्लाई करें, ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ आपको मेल के थ्रू अप्लाई करना है। मेल ID स्क्रीनशॉट आप कर लें इस वीडियो, इस एडवर्टीज़मेंट का, और विद इन 7 डेज़ आप अप्लाई कर दें। मेल के थ्रू जब अप्लाई करते हैं तो अपना रेज्यूमे, फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और एक पैराग्राफ ज़रूर लिखें कि आपको आप ये पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ या स्किल्स थोड़े से एक पैराग्राफ में लिखें, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह मेल की जो सब्जेक्ट लाइन होती है उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एंड आपको मेन बॉडी में एक पैराग्राफ लिखना होता है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है, किसी भी तरह की डाउट्स या क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे पूछ लें। अभी आप सभी जानते हैं सभी स्कूल्स ऑफलाइन चल रही हैं, तो आपका अगर शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो आपको फिज़िकल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप दूसरे किसी लोकेशन में हैं और इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट करें कि हम TADA मतलब ट्रैवल अलाउंस मांगे, क्योंकि एवरी टाइम आपको शॉर्टलिस्टेड हो जाता है बट आप जा नहीं पाते हो अपने खर्च से, क्योंकि खर्च भी काफ़ी है। तो आप ट्रैवल अलाउंस मांग सकते हो या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल RN एक्सटेंशन, ये आपका नोएडा में पड़ जाएगा, ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली। आप देख सकते हैं नोएडा नहीं, सॉरी, इसका एग्जैक्ट लोकेशन है गाज़ियाबाद UP, बिहाइंड HRIT कॉलेज, मीरठ रोड। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होती है, तो आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी दी जाएंगी। आपको ये जो वैकेंसी आप देख पा रहे हैं वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आप अपना चेक कर लें, PGT में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, TGT में उसी तरह सारे सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग एक्टिविटी टीचर्स, प्राइमरी में भी एक्टिविटी टीचर्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 4 से 5 साल का मांगा गया है BEd के साथ, एज आपका 40 ईयर्स से बिलो होना चाहिए। नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं, प्राइमरी लाइब्रेरियन या TGT लाइब्रेरियन, IT, अकाउंटेंट और ऑफिस असिस्टेंट। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इसका जॉब फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपको अप्लाई करना है विथ अ रीसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। एक कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपको अप्लाई करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दे रही हूँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक कर लें, DPS RN एक्सटेंशन। तो ये आप देख पा रहे हैं, मोबाइल में खोल रही हूँ इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है, बट मैं आपको बस दिखाना चाहती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें, करियर सेक्शन पे जाएं, यहाँ पे करियर सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको सारी यहाँ पे वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वैकेंसीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। आपको यहाँ लिखा गया क्लिक हेयर फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये डिटेल्स आपको डालनी होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, सेलेक्ट पोस्ट, एड्रेस, डिपार्टमेंट, क्वालिफिकेशन, और फोटोग्राफ और रेज्यूमे आपको अपलोड करनी है, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने का।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वैकेंसीज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अभी दिवाली में मैं भी घर वापस आई थी, तो कुछ दिन ट्रैवल में इधर उधर निकल गया दोस्तों। अभी से आपको रेगुलर मिलेंगी। दिवाली आ रही है, कल दिवाली है। देखती हूँ वीडियोस अपलोड कर पाती हूँ या नहीं। अगर वैकेंसी अभी न्यूज़पेपर भी दोस्तों न्यूज़पेपर भी अभी नहीं निकालती हैं कोई, कितनी कितनी न्यूज़पेपर ऑफिसेज बंद होती हैं क्योंकि दिवाली है, तो आपको जल्द से जल्द वैकेंसीज अपडेट्स ज़रूर दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक फीडबैक और अप्रिसिएशन ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में। आप सभी की लास्ट कमेंट में देख रही थी, अलग अलग स्टेट से बता रहे थे आप कवर करने की। मेरी कोशिश रहेगी अगली वीडियो में कवर कर पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दिवाली अपने परिवार के साथ इंजॉय करें। धन्यवाद।